उसको कुछ भी पूछो, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या जवाब देती है? अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी का भी मामला वैसा ही है। इनसे कुछ भी सवाल पूछो, मोदी जी बताइए देश की इकोनॉमी जीडीपी इतनी नीचे क्यों गिर गई, तो जवाब आता है जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की। यही तीन जुमले बोलते हैं। इनको अगर पूछो कि मोदी जी बताइए जूलियट को क्यों मारा गया, बताइए मोदी जी बताइए कि मुसलमानों के साथ दलितों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की गई, तो जवाब आता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अब्बा डब्बा चब्बा। तो ये अब्बा डब्बा चब्बा का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब टाइम हमारे छोटू भाई को साथ देने का टाइम है, एमआईएम को साथ देने का टाइम है, बाबा साहेब के ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। क्या गुजरात तैयार है? क्या भरूच तैयार है? मेरे साथ जोर से बोलिए। पीछे वाले लोग अभी तक क्या कांग्रेस की कश्मकश में फंसे? ये फर्जी सेक्युलरिज्म लेकर कांग्रेस अब ज्यादा टाइम जी नहीं सकती, उसका टाइम खत्म हो चुका है। उनके पास कोई लीडर नहीं है, हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर है जो 542 लोगों के सामने खड़े होकर लोकसभा में कहता है जय भीम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे लोगों की हमको जरूरत है। हमारा लीडर हमारी आवाज है, उसकी आवाज को मजबूत कीजिए।